आसिम फिर ले रहे हैं मेकर से पंगा। जनता और आसिम का आमना सामना, ये हरकत पड़ सकती है आसिम पर बहुत भारी। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे रोहित शेट्टी के होस्टेड रियलिटी स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन अनाउंसमेंट के वक्त से ही लगातार सुर्खियों में बना रहा है। बिग बॉस का हिस्सा रहे तमाम सेलिब्रिटीज के अलावा अनुपमा सीरियल के एक्टर आशीष मेहरोत्रा भी इस बार शो का हिस्सा है। सीरियल का हाल ही का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिसमें आसिम रियाज को अभिषेक कुमार और यहां तक कि रोहित शेट्टी पर भी चार्ज करने की कोशिश करते हुए देखा गया था। नतीजा ये रहा कि आसिम को शो से निकाल दिया गया और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की है जिसकी वजह से वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। आसिम रियाज ने इंस्टाग्राम पर अपने एक पोस्ट में काफ़ी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को पोस्ट किया है, जिनमें से एक में मिडिल फिंगर दिखाकर वो नज़र आए हैं। बिग बॉस 13 का हिस्सा रहे आसिम रियाज ने इस लुक में थोड़ी अपनी फ़ोटोज़ डाली हैं। वो इसमें रैपर जैसे दिख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस भी काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं। आपने कभी अपने रास्ते में कोई रुकावटें नहीं देखी तो आपने ज़िंदगी में कोई भी तरह के स्ट्रगल नहीं देखा, यही आसिम रियाज का कैप्शन था इस पोस्ट पर। आसिम की इस पोस्ट को लाखों लोगों ने लाइक किया है और कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने रिएक्शंस भी दिए हैं। एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा कि सिर्फ 2 एपिसोड करके आप हाइप कर गए। वहीं दूसरे ने लिखा कि गुस्सा हराम है, इसलिए इस्लाम में आप अपने गुस्से की वजह से बहुत ही दुखी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान गुस्से की वजह से दूसरे से बात करना छोड़ दे तो अल्लाह उसे गुस्सा करने के लिए नाराज़ रहता है, इसलिए अपने गुस्से पर आप ज़रूर काबू रखें। एक फ़ैन ने इसी पोस्ट में नीचे लिखा कि अच्छा हुआ इस शो से निकल गया, वरना मुझे इसे पूरे शो में बर्दाश्त करना पड़ता। सारा फसाद शुरू हुआ था उस स्टंट के साथ जिसमें आसिम रियाज फेल हो गए थे और प्रॉब्लम की कि वो मेकर से एक रुपया भी नहीं लेंगे अगर किसी ने ये स्टंट बिना किसी का सामना करे कर दिया और बिना किसी गड़बड़ के कर दिया। जहां वो ये दावा करने में लगे हुए थे कि स्टंट पूरा नहीं किया जा सकता, तो वहीं रोहित शेट्टी ने उन्हें रिहर्सल करके दिखा दिया और दिखाया कि हम पहले ही ये टेस्ट कर लेते हैं कि स्टंट्स को पूरा किया जा सकता है। आसिम ने खुद को एक सॉर्टेड इंसान कहकर ये मामला आगे बढ़ाया। इसके बाद रोहित शेट्टी काफ़ी गुस्सा हो गए थे। उसी के बाद आसिम रियाज इसके बाद अपना आपा खो बैठे और उन्होंने रोहित शेट्टी समेत बाकी खिलाड़ियों से बदतमीजी से बात की, जिसके बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया। अभिषेक कुमार के साथ बाकी खिलाड़ियों को भी लूजर कह के आसिम वहाँ से निकल गए और शो छोड़ दिया। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।